जी सलाम अलैकुम जी, मैं असद कुरैशी हूं और इस वक्त आप अल खिदमत फाउंडेशन का ऑफिशियल पेज देख रहे हैं। इस वक्त मैं सखर में मौजूद हूं, यहां पर जो है वो सैलाब जदगान के हवाले से ज़बरदस्त खाना तैयार किया जा रहा है और ये तीन टाइम का खाना जो है वो रोज़ तैयार किया जाता है। रोज़ का इन्होंने मेन्यू डिसाइड कर रखा है। जिस तरह से अल खिदमत फाउंडेशन पर दुनिया भर में रहने वाले लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, मैंने उसका अमली मुजाहरा यहाँ पर इनके काम को आकर देखा है। इस वक्त हमारे साथ इकरामुद्दीन सुबहानी साहब मौजूद हैं जो इस ऑपरेशन को देख भी रहे हैं और इस मरकज को भी देख रहे हैं। सर, ये बताइएगा कि क्या इसके ऊपर औसतन खर्च आ रहा है इस मरकज के ऊपर और कितने टाइम का खाना जो है सैलाब जदगान को यहाँ से पहुँचाया जा रहा है और कितने अफराद का खाना पहुँचाया जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया जी। अलखिदमत फाउंडेशन ने बिल्कुल रेस्क्यू के इब्तदाई दिनों में 22 अगस्त से ये अलखिदमत मरकजी किचन सखर कायम किया है और रोजाना की बुनियाद पर औसतन 50 दीगें यहाँ से तैयार होकर अलखिदमत फाउंडेशन की मुतासरीन के लिए कायम करदा खैमा बस्तियों में दोपहर और रात के खाने की सूरत में फराहम किया जा रहा है। इसमें औसतन हमारा रोजाना 5 लाख रुपए एक्सपेंस आता है। इसके अलावा कुछ खाना हम मुतासरा जो आबादियां हैं वहां पर भी तकसीम कर रहे हैं और इसके अलावा अलखिदमत की मुतासरा आबादियां जो है उसके करीब भी रोजाना की बुनियाद पर 4 से 5 देगें मुकामी तौर पर तैयार कर भी तकसीम की जा रही है। तो इस वक्त जाहिर है ये रेस्क्यू का वो फेज है, रिलीफ का वो फेज है कि जहां पर तैयार खाने की अशद जरूरत है और जाहिर है लोगों के लिए वहां पर खुद तैयार खाने का कोई इहतमाम मुमकिन नहीं हो पा रहा। जो मुतासर आबादियां वहां पर इस वक्त पानी मौजूद है या हमने लोगों को खैमा बस्तियों में ट्रांसफर कर दिया है और उसकी हम सिक्योरिटी के नुक्ते नजर से भी ये जरूरी समझते हैं कि वहां पे चूल्हा और आग न जलाई जाए ताकि वो खैमा बस्तियां प्रोटेक्टेड रहे। तो उसके पेशे नजर अलखिदमत ने बिल्कुल इब्तदा में ये मरकजी किचन कायम किया है और जहां से हम मुख्तलिफ मुखय्यर हजरात के भरपूर तआवुन से रोजाना की बुनियाद पर जो भी जरूरत है वो पूरी कर रहे हैं। हमें अगर आज यहां से 100 देगों की जरूरत महसूस होगी तो हम यहां पे 100 देगों का हमारे पास बैकअप है और हम कैपेसिटी है हमारी, तो हम 100 देगें भी यहां से फराहम कर सकते हैं। फिर इसका एक पूरा शेड्यूल बनाया हुआ है। ज्यादा आसान जहर रेस्क्यू में ये होता है कि हम चावल, चिकन बिरयानी बाज़ुकात चने की सूरत में, बाज़ुकात सब्जी का पुलाव बना के ये तकसीम कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हम तरकारी के साथ भी चिकन की सूरत में, सब्जियों की सूरत में वो भी फराहम करते हैं कि रोजाना की बुनियाद पर चावल खाना भी जाहिर है कि मुमकिन नहीं होता। तो इन सारी जरूरियात का ख्याल रखते हुए हम अल्हम्दुलिल्लाह अलखिदमत का ये जो मरकजी किचन है इससे भरपूर तरीके से लोगों को एक बड़ी सहूलत फराहम कर रहे हैं। एक तो खाना टाइम पर पहुंचता है लोगों के लिए, अच्छी सूरत में पहुंचता है, तमाम के साथ पहुंचता है और एक पूरे बैकअप के साथ पहुंचता है कि जो भी अगर हमें कहीं से रिक्वायरमेंट आती है तो हम विद इन 1 आवर जो है वो वहां तक डिलीवर करने की पोजीशन में होते हैं। बिल्कुल जी, इस वक्त सक्कर शहर में गर्मी भी बहुत ज्यादा है और आप मेरी शर्ट पे पसीना देख रहे होंगे। एक तो किचन में मौजूद है, दूसरी तरफ से गर्मी बहुत ज्यादा इस वक्त जो है यहाँ इस शहर में मौजूद है। सर जी बताइएगा, इस वक्त सक्कर शहर में सैलाब जदगान कितने लोग मुतासर हैं जो इस शहर के अंदर मौजूद हैं, जिन लोगों तक आप पहुंच पाए हैं या कोई भी ऐसे भी कुछ अफराद होंगे जहां तक कोई एनजीओ नहीं पहुंच पाई या कोई फर्द नहीं पहुंच पाया, जहां पर पानी बहुत ज्यादा खड़ा है, जहां पर जाने के लिए कोई रास्ता मौजूद नहीं है, क्या ऐसे भी इलाके हैं? जी, एक बहुत बड़ी आबादी जी इस सैलाब से मुतासरा हुई है। सखर शहर असल में जो जाहिर है कि यहाँ सब जानते हैं कि ये एक दरियाई इलाका है और इतफाक इस तरह का है कि ये एक यू शेप में दरिया जो है इस शहर को कवर करता है, तो दोनों तरफ से जब पानी निकला है तो एक बहुत बड़ी आबादी मुतासर हुई है और उसमें जाहिर है कि लोगों के घर मुनहदम हो गए हैं। उन आबादियों को हमने फौरी तौर पर टेंट बस्तियां आबाद करके उसमें मुंतकिल किया है। कुछ लोग जाहिर है कि अभी भी वहां पर मौजूद हैं। जिन इलाकों में हम मुतासरीन को फैसिलिटेट कर रहे हैं वो जब खबर दाएं बाएं को पता चलती है तो आज तक भी ये है कि हम तक बड़ी तादाद में लोग रابطہ करते हैं कि जिन्हें हम रेस्क्यू कर रहे हैं, हम फौरी तौर पर उनको रेस्क्यू करते हैं, तैयार खाना पहुंचाते हैं, शेल्टर फराहम करते हैं, टेंट फराहम करते हैं। इस वक्त 6 के करीब हमने बस्तियां आबाद कर दी हुई हैं और मजीद की हम जरूरत महसूस करते हैं। ये सारा काम हम अहले खैर के तआवुन से कर रहे हैं और आपके तवस्सुल से मैं दोबारा अहले खैर से तआवुन की अपील करूंगा कि लोगों की जो इस वक्त जमीनी हकायक है वो बहुत बड़ी जरूरत
जरूरत है और उस जरूरत के लिए मैं अहले खैर से दरख्वास्त करूंगा कि वो मजीद तआवुन जो है वो अपना जारी रखें। जी बिल्कुल, जैसे सुबानी साहब ने कहा कि अहले खैर इसमें मजीद तआवुन करते रहें और दुनिया भर से लोग बहुत ज्यादा अलखिदमत के साथ कोऑपरेट भी कर रहे हैं और इस वक्त आपने इसका अमली मुजाहरा भी देखा है कि अलखिदमत फाउंडेशन किस तरह से मुल्क भर में सैलाब ज़दगान के लिए काम कर रही है, अपनी डोनेशन अपनी अतियात अलखिदमत फाउंडेशन को देते रही है ताकि सैलाब ज़दगान जो इस वक्त मुश्किल हालत में मौजूद है वो इस हाल से बाहर निकल के खुशी की जिंदगी जो है वो गुजार सके।